राधे राधे। आज हम बनाएंगे आलू के बरूले, जो अलीगढ़ की मशहूर चाट है। बरूले बोलते हैं इसको, जो आलू और बेसन के साथ बनाई जाती है। तो इसके लिए हम, ये देखिए, ये मैंने छोटे आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। आपके पास थोड़े और बड़े आलू हों तो बड़े भी ले सकते हैं, और ऐसे ही छोटे हों तो छोटे भी ले सकते हैं। अब इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अगर आपको देखा जाए तो मीडियम साइज़ के 8-10 आलू हैं ये बॉईल किए हुए। इसके लिए हम 4 बड़े चम्मच बेसन लेंगे, 2 बड़े चम्मच हम चावल का आटा लेंगे, जिससे ये कुरकुरे बनेंगे। आप चाहें तो प्योर बेसन से भी बना सकते हैं, खाली बेसन से, और या चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं, बराबर बराबर रख सकते हैं दोनों चीज़ें। अब हम इसमें चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, एक चुटकी हींग। ये बेसन के साथ बन रहा है तो इसलिए थोड़ी सी अजवाइन, जिससे हमारा पेट ठीक रहे। और करीब आधी छोटी चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। अब इसको पानी के साथ गाढ़ा घोल बनाएंगे। ये हमारा घोल बन गया है। थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें चावल का आटा है तो ये फूलेगा चावल का आटा। अब हम इसको इसमें इन आलुओं को डाल देंगे। और इनको अच्छे से इसमें मिक्स करके और थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे, जिससे हमारे ये आलू सारा मसाला अच्छी तरह से कोट कर ले, इसमें टेस्ट भी आ जाए मसाले का। ये हमारे आलू तैयार हैं, और मैंने तेल गरम करने रख दिया कढ़ाई में। अब हम इनको फ्राई करेंगे, अच्छे से इस बैटर को इस पर कोट करके जब हम इनको फ्राई करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। अभी हमारा तेल कम गर्म है, देखिए हमारा बैटर गर्म हो गया है। अब हम ये आलूओं को एक एक करके इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छे से बैटर से कोट करके इनको फ्राई करेंगे। अब इनको सिकने देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा सिकने के बाद हम इनको पलटेंगे। तेज आंच पर ही हम इनको सेकेंगे, क्योंकि हमारे आलू पहले से ही उबले हुए हैं, सिक गए हैं। हम इनको पलट देते हैं।
बस अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन होने देंगे इनको, फिर हम इनको निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए सारे बरूले इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सिक गए हमारे आलू, इनको निकालेंगे। आलू के बरूले अब हम बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बरूले सिक गए हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और इनको क्रिस्प करेंगे और कुरकुरा करेंगे, तो इसके लिए हम इनको इस तरह किसी कटोरी या किसी और की चीज़ की सहायता से हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना, इस तरह से सबको ऐसे ही हल्का हल्का दबा लेंगे और वापस फिर हम तेज आंच पर इनको तेल में फ्राई करेंगे, जिससे ये और कुरकुरे हो जाएंगे। अब इसका एक फ़ायदा और है, आप इस तरह से तल के और इस तरह से दबा के इनको रख सकते हैं, और जब चाहे जब आपको खाना हो तब 5-10 मिनट में इनको फ्राई कीजिए और मज़े लीजिए बरूले का। तो हम इनको वापस अब तेल में फ्राई करेंगे। देखिए अब हम इनको वापस डाल देते हैं ऑयल में। अब इनको फ्राई होने देते हैं। ऐसा करने से ये और ज़्यादा डबल क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत टेस्ट देंगे। फ्राई हो गए हमारे बरूले वापस, अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम अपने बरूले सर्व करते हैं, देखने से ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं हमारे बरूले। अब ये हरी चटनी, और तो ये लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी चटपटे अलीगढ़ की मसूर चाट बरूले। तो आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर इसे को ट्राई कीजिएगा, एकदम चटपटी टेस्टी और कुरकुरी रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।